नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं चिकू, आप देख रहे चिकू टेक्निकल। आज हम हीरो एचएफ 100 का एक रिव्यू करने वाले जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट में आपको एक बड़ा सा हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाएगा जो ग्लॉसी फिनिश के साथ, और इस तरफ साइड में देखें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा बल्ब का। देखिए कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, और यहाँ पे नीचे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। और यहाँ पे टायर आपको टेल स्टार मिल जाता है 2.75 का TVS के ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पे होल की बात करें तो यहाँ पे आपको आलो होल देखने के लिए मिलेगा 18 इंच का। और फ्रंट में मोड़गार्ड आपको फुली ब्लैक कलर में मिलेगा ग्लॉसी फिनिश के साथ। और यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक की शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर। ये रहा हीरो का बैजिंग। टैंक आपको फुली ब्लैक कलर में मिलेगा ग्लॉसी फिनिश के साथ, और नीचे यहाँ पे आपको रेड और ग्रे का स्टिकर का भी काम देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे रहा आपका टूल बॉक्स, और इस बाइक में आपको किक का भी ऑप्शन अवेलेबल किया गया है क्योंकि सेल्फ स्टार्ट इस बाइक में नहीं दिया गया है। और ये रहा आपका ब्रेक पैड और राइड इनपुट ट्रेस। और ये रहा बाइक का साइलेंसर, और यहाँ पे आपको साइलेंसर कवर भी मिल जाता है ब्लैक कलर के ग्लॉसी फिनिश के साथ। और यहाँ पे भी आपको रेड और ग्रे कलर का स्टिकर भी मिल जाता है। और नीचे रहा 100 का बैजिन। और यहाँ पर रेयर की सस्पेंशन की बात करें तो रेयर में आपको सोनीग्राम मोइथी 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है, जो आप 2-स्टेप तक एडजस्ट करके इस बाइक को राइड कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा फीचर है इस बाइक के लिए। रेयर में भी आपको सेम 2.75 का ट्यूबल स्टार मिल जाता है TVS के ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर भी आपको 18 इंच का ही अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा विथ IBS के फीचर के साथ। यह रहा आपका ग्रैबरल। चलिए दोस्तों रियर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों रियर से कुछ इस प्रकार का आपको लुक दिखने वाला है। और यहाँ पे टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको बल्ब का टेल लैंप मिलने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार का लुक आपको दिखने वाला है। और ये रहा बाइक का चेन कवर। और यहाँ पे आपको साड़ी गाड़ा विथ लेडीज फुटरेस भी मिल जाता है। और ये रहा पिलर राइडिंग फुटरेस। इस तरफ भी आपको सेम ही डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड, डबल स्टैंड और राइडिंग फुटरेस और गियर पैड मिल जाता है। अगर यहाँ पे इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको 97.2 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम पावर 8.36 PSI 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 8.05 Nm 5000 RPM प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ 4-स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स भी प्रोवाइड किया गया है। इस तरफ भी आपको टैंक में सेम ही डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 9.1 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए दोस्त बाइक का हॉर्न, बहुत ही लाउड साउंड है। अगर इस बाइक की सीट की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। इस बाइक से आप सिटी राइड या लॉन्ग राइड कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पेन वगैरह नहीं होगा।
चलिए दोस्तों, अगर इस बाइक के हैंडल की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको क्लच लीवर, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न मिल जाता है। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में आपको थ्रॉटल और ब्रेक लीवर मिल जाता है। और इस बाइक में आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर आपको किक का ही ऑप्शन अवेलेबल किया गया है। और यहाँ पर मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली एनालॉग में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूट्रल, इंजन माल फंक्शन और हाई बीम लो बीम शो करेगा। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर शो करेगा। और यहाँ पे आपका इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। चलिए दोस्तों, बाइक का साउंड आपको सुनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इस बाइक के ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो लेंथ 1965 mm, वर्थ 720 mm, हाइट 1045 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm और इस बाइक की कर्व वेट है 110 kg। चलिए दोस्तों, अगर इस बाइक की प्राइस की बात करें तो ₹49,800 और ऑन रोड की बात करें तो ये बाइक आपको 61,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इस प्राइस रेंज की बात करें तो ये बाइक आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। अगर आप ये बाइक या हीरो का कोई भी बाइक लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में शोरूम का डिटेल्स दे दिया है, आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बाइक की माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको 60-65 आराम से माइलेज दे देगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।